टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। वैसे आज बहुत ही दबंग अंदाज नजर आया आपका, काफी एकदम चीखना चिल्लाना बोलती ही बंद कर दिया आपने तो। हाँ, काफी वक्त के बाद कुछ ऐसा आया तो हमने भी अपने मन की पूरी भड़ास निकाल डाली, अम्मा माए की पुंगी बजा डाली। वैसे ये अम्मा माए की पुंगी बच क्यों रही है? क्योंकि हर इंसान को प्रॉपरली, हर बच्चे को प्रॉपरली ग्रो करने का मौका दिया जाए, जो कि यहाँ पे हमारी बानी के साथ नहीं हो रहा है। उसकी शादी करने पर उतारू है ये जो अम्मा माई की फैमिली आई हुई है वो, सो हम उसका विरोध कर रहे हैं और पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं और रियल लाइफ में भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इतनी लड़ाई आप कर रही है लेकिन इसी बीच बानी बेहोश भी हो जाती है, वो मतलब वो क्या था? बानी क्या है, अकलमंद बच्ची है, उसे एक अकलमंद माँ मिली है, उसकी माँ को एक अकलमंद सास मिली है। सो हम सब मिलके उसको ये कर रहे हैं कि किस तरह से बानी को इस जो षड्यंत्र है उसमें से बचाया जाए ताकि उसकी शादी ना हो। तो बानी एक्टिंग कर रही है। कैसी लगी? जो कि मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगी, एक क्रेडिट थपकी को जाता है। कैसी लगी बानी की एक्टिंग आपको? ओह यस, एब्सोल्युटली सो नेचुरल, गुड। वैसे लास्टली क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ट्रैक आगे देखने को मिला? क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग, काफी टशन वाला ट्रैक देखने को मिल रहा है हमें। हाँ, एक देखिए आराम आराम से थे, एवरीबडी हैज़ जो एक स्टोरी होती है, स्टोरी हीरो होता है उसमें, हर लोग, हर इंसान का ट्रैक एक वक्त पे आता है, चला जाता है, फिर दूसरा कोई टेक ओवर करता है। तो अभी कुछ वक्त से हम थोड़ा शांतता राखा में बिलीव कर रहे थे, मतलब हमारे जो राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने ऐसा कहा। अब हमें निकल के आने का थोड़ा मौका मिल रहा है तो हम मज़े कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट से खाली ये भी जाना चाहेंगे, आज कोसी जी सेट पर नजर आई, वो अपने गुगु के साथ आई थी, अपने नेव्यू के साथ, उसका नाम है गुगु। मैंने बोला बेटा अच्छे से गुगु करना। बहुत क्यूट है बच्चा। और स्मिता तो खैर हमारे लखनऊ की ही है, सो यस। पानी बेटा,